हम देखेंगे जो टर्टल की प्रजातियां होती है और कितने जो है इंडिया में होती है और बाहर बाहर कंट्री में कितने होती है। जैसे ओलिवा रिडली जो होता है वो इंडिया के उड़ीसा के तट पे ये जो है अपना हैचिंग करते हैं, ब्रीडिंग के समय ये हैचिंग करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे क्या होता है हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है वो उसमें काफ़ी ये प्रिजर्व करते हैं, जिसके वजह से। ग्रीन टर्टल है, हवेक बिल है और लेदर बैक है। लेदर बैक जो होता है वो त्रिनाद टोबैगो में होता है और इनको 1960 से इनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है और इनके एक एक एक्टिविटीज़ को चेक किया गया है और काफ़ी इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन अभी की तारीख में, आज की तारीख में इसको हम देखेंगे तो क्या है, ये कुछ इनका वल्नरेबल कंडीशन है, मतलब इनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन इनको भी प्रिजर्व करने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया है। नोवा स्कोटिया कनाडा, यहाँ पे भी जो होता है टर्टल जो होते हैं वो बहुत सारे अलग प्रजाति के टर्टल्स पाए जाते हैं जैसे इसमें से, और उनको क्या होता है प्रिजर्व किया जाता है। हम अगर देखेंगे तो टर्टल से होता क्या, टर्टल से अगर सिंपल वे में अगर देख लेते हैं तो क्या, ये पानी को क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं जितना ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो उड़ीसा का जो भी ब्रिज एरिया है जहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, इनके बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो डिस्पोजल हो जाते हैं और बहुत सारे बड़े जानवर जो है खाने का डर रहता है, बहुत सारे बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये मर जाते हैं, बहुत सारे इनका क्या होता है हंटिंग हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और वो प्रिजर्व किया जाए।